हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम मोहम्मद नाजिम, वेलकम टू लाइक एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ पार्ट्स ऑर्डर किए थे, तो टुडे मॉर्निंग में हमने यह पार्सल रिसीव किया है। और ये सारे पार्ट्स मैंने ज़्यादातर मैं फ्रेंड्स मेकर बाजार से ही खरीदता हूँ, ठीक है। कुछ साइट पे फ्रेंड्स आप ट्राई करोगे तो काफ़ी सस्ता मटेरियल मिलता है अदर साइट के मुकाबले, ठीक है। मैं यहाँ पर किसी साइट की तारीफ नहीं कर रहा हूँ और किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और सारा मटेरियल यहाँ से बाहर कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, बॉक्स में से हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे अपने TP4056। ये चार्जिंग मॉड्यूल है लिथियम आयन बैटरी का, जो 3.7 वोल्ट का आता है। और फ्रेंड्स, उस बैटरी को ये फुल्ली तरीके से चार्ज करके उसको कट भी कर देगा, मतलब काफ़ी अच्छा मॉड्यूल है, लगभग सभी ही जानते हैं इस मॉड्यूल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमने इसके यहाँ पर 5 पीस करीब ऑर्डर किए थे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने एक प्रॉपलर भी मंगाया था जिसका डायमीटर 100 mm है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 ब्लेड वाला ये प्रॉपलर है। तो फ्रेंड्स, टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर ओनली 1 पीस मंगाया, अगर ये पसंद आएगा तो आगे हम और भी मंगाएंगे। और दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 मोटर भी ऑर्डर किए थे, और यह मोटर फुल्ली मेटल कैबिनेट का है, ठीक है। आप ऊपर नीचे कहीं पे भी देखोगे ये फुल्ली तरीके से मेटल कैबिनेट का, जो आपके RC प्रोजेक्ट में बहुत काम आएगा। बाकी आप इससे कूलर फैन वगैरह जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर इसकी छोटी सी एक टेस्टिंग भी करेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस मोटर का RPM इतना बेस्ट लगा मुझे कि आप इससे किसी भी चीज़ में मतलब यूज कर सकते हैं। टेबल फैन बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, छोटा सा एक कूलर बनाना चाहें उसमें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे यह मोटर सबसे ज़्यादा बेस्ट लगेगा किसी RC प्रोजेक्ट को बनाने में, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर 2 क्वांटिटी में मतलब परचेज़ किया है। और जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर आप 3 बोल्ट से लेकर 6 बोल्ट के बीच में यह मोटर रन आउट कर लोगे। इसके बाद में फ्रेंड्स, हम एयर पंप को यहाँ पर शो करेंगे। तो एयर पंप ये कुछ ट्रांसपेरेंट टाइप का एयर पंप है, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। 6 वोल्ट के लेकर 12 वोल्ट के बीच में कहीं पे भी रन आउट हो जाता है, बहुत अच्छी तरीके से ये वर्क भी करता है। और फ्रेंड्स, 6 वोल्ट में थोड़ा सा हो सकता है ये दब जाए, लेकिन आप अगर इसे 12 वोल्ट दोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेगा। और यहाँ पर हमने इसकी छोटी सी एक टेस्टिंग भी की, पास हो गया, बाकी ठीक है। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट में आप इसे यूज कर सकते हैं। बात दोस्तों बारी आती है 12.6 वोल्ट 3S 20 एम्पियर BMS मॉड्यूल की, ठीक है। और बहुत स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल होता है, और इस मॉड्यूल को आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। तो BMS मॉड्यूल से रिलेटेड मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, यदि आप किसी तरीके की कोई बैटरी पैक बनाते हैं तो उसमें प्लीज़ 20 एम्पियर का ही BMS मॉड्यूल जरूर लगाएं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं 10 एम्पियर का BMS मॉड्यूल खरीद कर थक गया हूँ, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। कोई BMS मॉड्यूल लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता है, ठीक है। और 10 एम्पेयर का तो फ्रेंड्स ये महाबंडल BMS मॉड्यूल है, आपका 1 हफ्ते भी नहीं चलेगा, ठीक है, ओनली 1 वीक भी नहीं चलेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इस BMS मॉड्यूल को रिपेयर किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 रिस्टेंसों को शॉर्ट किया, तब जाके ये BMS मॉड्यूल ऑन हुआ है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इस बैटरी में यह वाला BMS मॉड्यूल यूज करें, और बहुत अच्छी तरीके से वर्क भी करेगा। इसके बाद फ्रेंड्स, 5 वोल्ट का अल्ट्रासोनिक ह्यूमिडिटी फायर मिस्ट। दोस्तों, इस मिस्ट डिवाइस को आप इजीली 5 वोल्ट से ऑपरेट कर सकते हैं, जो आपका मोबाइल चार्जर होता है, ठीक है, माइक्रो USB वाला, वो इसमें डायरेक्टली लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से टुकड़ों में आता है ये, इसका फॉग वाला, ठीक है, मिस्ट वाला एरिया है जहां से ये पानी के फुब्बारे निकालता है, लेकिन वह फुब्बारे आपको एक धुएं के रूप में नजर आएंगे, ठीक है, मतलब आपको इतना ठंडा फील होगा कि मजा आ जाएगा। आप इसकी मदद से कोई कूलर भी बना सकते, छोटा सा एक मिस्ट फैन बना सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। और फ्रेंड्स, इसका जो फॉग है, जैसे कि आपको बताया, इजीली तरीके से देखने वाला है नहीं, लेकिन आप इस तरीके से समझ लीजिए, सऊदी अरबिया में जो मिस्ट फैन लगे हैं, ठीक है, बड़े बड़े जो मिस्ट फैन लगे हैं, वो फैन वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम ठंडा कर देते हैं, जो एक बहुत ज़्यादा मतलब हॉट होता है, गर्म होता है। तो कंपनी ने यहाँ पर हमें एक कॉटन की स्टिक भी दे रखी है, और इस स्टिक की मदद से जो मिस्ट वाला जो ऊपर वाला भाग है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको देख के मुझे किसी और चीज़ की याद आ गई, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे किस चीज़ की याद आई। वैसे फ्रेंड्स, कुछ उसी की तरह ही लग रहा है। तो चलिए अगले पार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों, मेकर बाजार में मैं सारा पार्ट्स जब कलेक्ट कर रहा था, वहीं पे मुझे एक स्टील का स्केल दिखाई दिया, जो मार्केट में नॉर्मली तरीके से नहीं मिलता है। वह आपको स्टील का बोल के मेटल का दे देगा, जिसमें जल्दी से जंग लग जाता है, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं दिखाई दे रहा हूँ, चलो सारे लोग मुझे हेलो बोलो, और फ्रेंड्स अपना फेस रिवील मैं जल्दी ही कर दूंगा।
तो दोस्तों करीब इतना मटेरियल हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट कर लिया है, जिसमें हम आसानी से बहुत सारा यहाँ पर प्रोजेक्ट बना सकते हैं। काफ़ी सारे कूलिंग प्रोजेक्ट पे मैं वर्क करूँगा, ठीक है। एक दोस्तों हम बहुत अलग अलग तरह के एयर कूलर, एयर फैन, ठीक है, बहुत सारा कुछ बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि हमारे पास थोड़ा मतलब ठीक ठाक मटेरियल है। तो फ्रेंड चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल एंड मिस यू ऑल।